तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवतार क्रिएशन एंड ब्लॉग्स। तो आज हम लोग की केदारनाथ यात्रा के बाद एक फिर से यात्रा चालू होगी सारे भाइयों की, जो कि उज्जैन महाकालेश्वर की है। तो बोलो उज्जैन वाले बाबा की जय। हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी अब, और ये है मेरा दोस्त सौरभ, जो कि खाने का इंतजाम पूरा इसी के पास है और घर से 50 पूरी बांध के लाया है। और हम लोग अब यहाँ पर आराम से बेंच में बैठ के सभी लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद चलेंगे। यहाँ से हमारी शाम की ट्रेन है, जो कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी, इस वजह से हम लोगों ने झांसी से ट्रेन किया है। खाना खा के उसके बाद सीधा चलेंगे हम लोग झांसी का किला देखने और रात में सीधा उज्जैन। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं झांसी के किले में, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का किला है यहाँ पर। और अभी हम लोग स्टेशन से सीधा है किला में, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर जो झांसी में किला बना हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई का। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जिनके नाम से झांसी है। और ये देखिए, सभी लोग चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है, देखिए काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। और अभी चलते हैं ऊपर, हम लोग दिखाते हैं आपको किला झांसी का, जो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। चल रहे हैं हम लोग ऊपर की ओर। अभी तो दोस्तों, यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है बिजली कड़क तोप, और ये महारानी लक्ष्मीबाई के समय की तोप यहाँ पर रखी हुई है। और ये पुराने तहखाने हैं यहाँ झांसी के किले के, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। ऐसे बना रहे, चुड़ैल उड़ा लेती हूँ। रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है किले में, जहाँ पर शायद रानी लक्ष्मीबाई पूजा वगैरह करती थी। तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं, शिव मंदिर है ये, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हम पढ़ाना चाहते हैं। ये शिव मंदिर है उस समय का। और चलते हैं और आगे की ओर आपको मंदिर दिखाते हैं। यह है मंदिर, कृपया जूते चप्पल उतार चले, धन्यवाद, फोटो खींचना मना है। फिलहाल मेरा कैमरा खुला, ये देखते नीचे क्या होता है। अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों एडवेंचर पर, और ये देखिए काफी अंधेरी गुफा है। ओ भाई, ये देखिए दोस्तों, ये सब पुराने जेल हैं, काफी अंधेरे में आप लोग को देखने।